ये सैंडविच है। करोड़ों रुपए का पैकेज नौटंकी ही करवाएगा, ऐसा हम नहीं कह रहे, यह लोगों की राय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं गौरी शर्मा। भारत 24 की एंकर रूबिका लियाकत ने सैंडविच लेकर जब वर्तमान की सत्ता को परिभाषित किया, जिससे ट्विटर पर बवाल मच गया। आपको बता दें कि हाल ही में भारत 24 की न्यूज एंकर ने हाथ में सैंडविच वर्तमान की सत्ता के बारे में तमाम बातें बताई और बताया कि जिस तरह से सैंडविच के दो भाग होते हैं और सैंडविच में सलाद होती है, वैसे ही सरकार है, एक तरफ सत्ता है और दूसरी तरफ विपक्ष है। सैंडविच में सलाद की तरह जनता पिस रही है। जैसे ही ये वीडियो प्रसारित हुआ, मिनटों में इसको सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म ट्विटर पर घेरना शुरू कर दिया। यूजर ने एक एंकर को लेकर खूब अजीबोगरीब कमेंट किए। सबसे पहले एक नजर आप जो है इस वीडियो पर डालिए, उसके बाद तमाम बातें करेंगे। ये सैंडविच, ये है सत्ता पक्ष और ये है विपक्ष, और बीच में फंस गया है टमाटर या खीरा। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि करोड़ों कमाने वाली एंकर ने भी सैंडविच में टमाटर नहीं लगाया हुआ है, जिससे वह जनता की बेबसी को बयां कर रही है कि कैसे सरकार की राजनीति तो चल रही है लेकिन जनता का बुरा हाल है। आपको बता दें कि यह वीडियो जैसे ही ट्विटर पर ट्वीट किया गया तो तमाम यूजर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। इसमें से एक यूजर ममता राजगढ़ ने कमेंट किया है कि भारत 24 के पास खीरा टमाटर ही दिखाने को बचा है, ऐसे टीआरपी नहीं मिलेगी आंटी जी। नीतीश कुमार के नाम से एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि वेयर द होल इंडिया इज अनरेस्ट एंड स्टेट्स आर बर्निंग बट रूबिका लियाकत शोज कुकुम्बर जर्नलिज्म, यानी जहां एक तरफ भारत और राज्य जल रहे हैं वहीं रूबिका लियाकत खीरा की पत्रकारिता दिखा रही है। तो वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया कि वह खुद नहीं जानती कि वह क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं, रूबिका लियाकत आप और आपके साथी मीडिया हाउस उपरोक्त में से कुछ नहीं है, बल्कि ब्रेड का भूरा हिस्सा है जो आमतौर पर कूड़ेदान में पाया जाता है। एक यूजर अमित वर्मा ने कमेंट किया, टमाटर महंगा है, टमाटर महंगा है इसलिए वो बीच में नहीं रखा गया, खीरा से काम चलाया, झूठा पार्टी की महंगाई की मार का सबूत खुद दे दिया। वहीं अभिषेक पाटिल, एक यूजर ने इसमें टमाटर नहीं है कमेंट किया, चैनल भी नहीं खरीद पा रहा, धन्य है इनकी पत्रकारिता। जीनत सिद्दीकी नाम के एक यूजर ने लिखा कि कितना बकवास सैंडविच है, लगता है इसमें भी कुछ घोटाला है, खीरे के 3 टुकड़े थे, एक गिर गया, 2 बजे टमाटर का नाम लिया पर टमाटर था ही नहीं, ना नमक, ना मेयोनीज, ना सैंडविच क्रीम, क्या बकवास लॉजिक है। इसी तरीके से तमाम यूजर ने कमेंट किए और रूबिका लियाकत जो है खूब ट्रॉल हुई। आप सभी ने देखा कि करोड़ों कमाने वाली एंकर ने जब टीआरपी के लिए सैंडविच का इस्तेमाल किया तो लोगों ने उसको ही ट्रॉल कर डाला। आप लोग भी कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि आपका इस बारे में क्या विचार है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, एक बार फिर होगी मुलाकात तमाम खबरों के साथ, जब तक लिए जरूर देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।